पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर की शिकायत पर अंतर्राज्यीय गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया है। ये गिरोह बैंक उपभोक्ताओं के नकली चेक बनाकर खातों से करोड़ों रुपए पर हाथ साफ करते थे, लेकिन बैंक मैनेजर की सूझबूझ के कारण इस गिरोह का एक सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मामला इस प्रकार से है कि बिहार की एक कंपनी के दो चेक पंजाब नेशनल बैंक कैथल की शाखा में क्लियर होने के लिए आए थे, जिनकी राशि 3 करोड़ 50 लाख और 2 करोड़ 28 लाख रुपए थी। बैंक मैनेजर को शक होने पर पार्टी को फोन किया गया, लेकिन गिरोह के शातिर सदस्यों ने उपभोक्ता के मोबाइल ही हैक किए हुए थे, लेकिन मैनेजर की सूझबूझ के आगे इनकी सारी योजना विफल हो गई, क्योंकि बैंक मैनेजर ने संबंधित ब्रांच से संपर्क किया, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ और बैंक मैनेजर ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आरोपी को बैंक बुलाया और बैंक मैनेजर ने आरोपी को पैसे ले जाने के लिए फोन किया। जैसे ही आरोपी बैंक आया तो बैंक में मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं इन्फॉर्म हुआ था कि एक व्यक्ति जिसका नाम जय भगवान है, उसने 2 करोड़ 28 लाख का एक चेक और 3.5 करोड़ का एक चेक वो क्लियर करने के लिए बैंक में आया, तो बैंक मैनेजर ने बिल्कुल तत्परता से इसमें कार्य करते हुए आगे जिसकी पार्टी से ये चेक आया था उससे कन्फर्म किया, तो वहाँ भी उस चेक की ओरिजिनल कॉपी थी। जिस सूचना पर इनको हुआ कि ये चेक फ्रॉड है, तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म किया इसने मैनेजर साहब ने, और उस मैनेजर साहब की शिकायत पर हमारी एक टीम बनी, टीम बन करके इसको काबू किया हमने बैंक से। और 3.5 करोड़ का चेक जो इसने लगाया वो बिल्कुल फर्जी था, वहाँ से भी कन्फर्म हुआ जहाँ से ओरिजिनल इसका बिहार में ये एक संस्था है, सरकारी संस्था एजुकेशन से संबंधित है, उनसे भी इनसे इन्होंने कन्फर्म किया और इसमें चेक जो है फ्रॉड निकला है उस पर FIR की गई है। दौरान तफ्तीश हमारे पास कल एक और चेक, मैनेजर साहब ने भी हमें इन्फॉर्म किया था कि एक और चेक भी इस पार्टी ने लगाया है, जिसका आज हमें कन्फर्म हुआ। मैनेजर साहब ने दोबारा से हमें एक शिकायत इसी में संदर्भ में आज दी है दोबारा से।